अध्याय 16। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर ये दोष लगाया कि ये तेरी सब संपत्ति उड़ाई देता है। उसने उसे बुलाकर कहा, ये क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन ले रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने से मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूंगा कि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। उसने अपने स्वामी के देनदारों में से एक एक को बुलाकर पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का क्या आता है? उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने उनसे कहा कि अपनी खाता बही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराए धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फरीसी जो लोभी थे ये सब बातें सुनकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर के निकट घृणित है। व्यवस्था और भविष्य वक्ता यूहन्ना तक रहे, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है। जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करता है वो व्यभिचार करता है, और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से ब्याह करता है वो भी व्यभिचार करता है। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था, और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्ग दूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया। अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजरस को देखा। उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे कि वो अपनी अंगुली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसी ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गढ़ा ठहराया गया है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे
वे ना जा सकें और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। मेरे 5 भाई हैं, वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं को नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो उसकी भी नहीं मानेंगे।